के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। हिम्मत जो न हारे कभी, अपन कर्म में अडिग रहे, हर बाधा नतमस्तक जेकर आगे, दुनिया वाला मजदूर कहे, दुनिया वाला मजदूर कहे। सबो भाई बहन मनला जय जोहार, नमस्कार। हमर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सबो जन मनला कानूनी रूप से जागरूक करे के उद्देश्य से ई प्लेटफॉर्म में नया कार्यक्रम जन चेतना प्रारंभ करेगी है। ये कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर ले आज मैं ओम प्रकाश जायसवाल जज लेबर कोर्ट रायपुर आप मन के समक्ष श्रमिक भाई मन के अधिकार के संबंध में कानूनी जानकारी ला साझा करी हैं। आप सब मन जाना था कि श्रमिक भाई बहन मन की स्थिति वर्तमान में बहुत अच्छा नहीं है। अभी थोड़ा दिन पहले के बाद लॉकडाउन के समय कहते हमार प्रवासी श्रमिक भाई बहन मन ला घर वापसी करे बा बहुत मेहनत करे पड़त रही, परेशानी उठाए पड़त रही थे। ये सब ला देखते हुए हमार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं मामला दर्ज कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ला निर्देश जारी करी कि आप मन प्रवासी श्रमिक मन के सुरक्षित घर वापसी के लिए आवश्यक प्रबंध करा, ये मन के लिए विशेष ट्रेन और बस की व्यवस्था करा। ऐसे बात नहीं है कि हमर श्रमिक भाई बहन मन बा कोई कानून नहीं बनाए गए हावे, कानून बहुत बनाए गए है, लेकिन जानकारी के अभाव में हमन ओकर उपयोग नहीं कर सकन और शोषण के शिकार होथन। आप मन सब ला मालूम हो ही कि पहले कोई मजदूरी फिक्स नहीं रहे, जेला जिसे आवश्यकता पड़े वो हिसाब से मजदूरी के भुगतान कर दिए जावे। एला देखते हुए सन 1948 में सबले पहली न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाए गए रही हावे और एमा ये प्रावधान रखेगी तावे कि शासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की जाही, अगर न्यूनतम मजदूरी ले कम में कोई कार्य कराही तो ओकर लिए 6 महीना तक के कारावास और 500 रुपये जुर्माना के प्रावधान रखी गई रही थे। एकर बाद आप मनला जानकारी हो ही महिला मन बा अलग मजदूरी और पुरुष मन बा अलग मजदूरी के प्रावधान रही, इहू है एक भेदभाव रही थे। एला हटाए बा सन 1976 में समान पारिश्रमिक कानून लाएगी से है। ये कानून में ये प्रावधान रखेगी थे कि एक समान काम करने वाला सभी वर्ग के, चाहे वो महिला रहे या पुरुष रहे, ओमनला एक बराबर राशि भुगतान किए जाही। वर्तमान में ये देखे बात है कि हमार श्रमिक भाई बहन मन रोजगार के तलाश में अपन राज्य छोड़ के दूसर राज्य जाते और जानकारी के अभाव में या अशिक्षा के कारण वहाँ ओमन शोषण के शिकार होते। एकर लिए सन 1979 में हमर सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम लागू करे गए है। ये कानून के तहत सबसे पहले ये चीज ला ध्यान रखना है कि हम ला कहीं भी कमाए खाए जाना है ओकर पहली अपन जिला के श्रम कार्यालय में अपन नाम ला असंगठित क्षेत्र के मजदूर के रूप में पंजीयन करा लेना हवे। एकर बाद दूसरा हमन ला देखना है कि जो ठेकेदार हमन ला अपन संग काम में ले जात हवे ओकरो पंजीयन श्रम विभाग में होना चाहिए। और तीसरा देखना है कि जे कंपनी में हमन काम करे जात हन वो कंपनी में भी अपन आप ला पंजीयन करा के रखे कि ओकर यहाँ प्रवासी श्रमिक मन हा काम करते। अब ये देखना है कि ग्राम पंचायत हमार का मदद कर सकते, तो हमन ला ये बात के ध्यान रखना है कि जब हमन कमाए खाए जात हन ओकर पहले ग्राम पंचायत के एक पलायन पंजी होते, वो पलायन पंजी में हमन अपन नाम ला दर्ज करवाबो और ये बताओ कि हमन कौन ठेकेदार करा कहाँ काम करे बा जात हमन। ये दोनों के जानकारी रहले विपरीत समय में श्रम विभाग है या न्यायालय है हमार मदद कर सका थे। एकर अलावा यदि पंजी में हमार नाम दर्ज रही तो गांव के भी कार्य मनरेगा और रोजगार गारंटी में हमन ला काम मिल सका था वे। अब मुख्य बात ये आते कि जब हमन काम करे चल दे तो वहाँ हमार का अधिकार पैदा होते, तो एकर संबंध में हमर अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के धारा 12 में ठेकेदार ला जिम्मेदारी दिए गए है। जो ठेकेदार आप मन ला काम में लेके जात हावे वो ठेकेदार ला आप मन के काम के जगह में बेहतर माहौल उपलब्ध कराए के, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा के,
और सुरक्षा संबंधी जो आवश्यक उपकरण है एला उपलब्ध कराए के जिम्मेदारी दिए गए हवे। यदि काम के दौरान कोई दुर्घटना हो जाते तो ठेकेदार ला यहू जिम्मेदारी दिए गए है कि श्रमिक भाई बहन मन के सगे संबंधी रिश्तेदार ला और दोनों राज्य के श्रम अधिकारी मन ला एकर सूचना देवाए। यदि एमा ठेकेदार चूक करते तब कंपनी मालिक के ऊपर भी ये दायित्व ला अधिरोपित करेगे हवे। अब यदि वेतन और भत्ता के बारे में बात किया जाए तो प्रवासी श्रमिक भाई मन ला भी वही वेतन और भत्ता प्राप्त हो ही जे वेतन और भत्ता वहाँ समकक्ष कर्मचारी ला प्राप्त होते एकर संबंध में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम के धारा 13 में प्रावधान दिए गए है और ये वेतन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के द्वारा जो निर्धारित वेतन है ओकर ले कम नहीं हो सके। एकर अलावा प्रवासी श्रमिक मन बा दो विशेष और प्रावधान हवे जो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के धारा 14 और धारा 15 में उल्लेख है। धारा 14 के अनुसार प्रवासी श्रमिक भाई मनला विस्थापन भत्ता दिए जाए के प्रावधान है। ये विस्थापन भत्ता मासिक मजदूरी के 50% के बराबर होगी और तीसरा यात्रा भत्ता के प्रावधान है। यात्रा भत्ता के तहत कोई भी श्रमिक भाई बंधु जो मन अपन घर से जहां मेरो मनला काम किए लिए जाए जाते वहां तक आए जाए के यात्रा के खर्चा किराया सब चीज ला ठेकेदार द्वारा वहन किए जाही। अब हमन अपन कानूनी अधिकार के जानकारी प्राप्त कर लेन लेकिन यदि हमर कानूनी अधिकार के हनन होते और हमर ला पर्याप्त सुविधा नहीं मिला थे तो हमन ला का करना चाहिए तो एकर लिए श्रमिक भाई बहन मन ला अपन जिला के श्रम विभाग में संपर्क करना चाहिए। शिकायत प्राप्त होय में जांच पश्चात कार्यवाही करते और मामला ला हमर श्रम न्यायालय के समक्ष पेश करते। श्रम न्यायालय में मामला पेश होय के बाद हमन देखथन कि क्या तही में अपराध हो है। यदि अपराध हो है तो अधिनियम के धारा 24 और 25 के तहत ठेकेदार और कंपनी मालिक ला दंड अधिरोपित किए जाते। पहला अपराध होए में 1 साल तक के सजा और 1,000 रुपया तक के जुर्माना अधिरोपित किए जाते। यदि अपराध के पुनरावृत्ति किए जाते तो 2 साल तक के सजा और 2,000 रुपया जुर्माना और प्रत्येक पुनरावृत्ति व प्रत्येक दिन के हिसाब से 100 रुपया अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित किए जा सकते। ये जो श्रम अधिनियम के तहत कानून बनाए गए है ये जमानती प्रकृति के और राजीनामा के प्रावधान है। मामला न्यायालय में आए के बाद भी यदि श्रमिक और ठेकेदार कंपनी मालिक के बीच में समझौता हो जाते अधिकार प्राप्त हो जाते तो राजीनामा के आधार पर भी मामला ला श्रम न्यायालय में निराकृत किए जा सकते। श्रमिक भाई बहन मन आप मन की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण है। आप मन के श्रम के बिना कोई भी निर्माण कार्य पूरा होना संभव नहीं है। हमार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी ये बात के उल्लेख किए गए है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक ला प्रतिष्ठा और अवसर के समानता होना चाहिए। एकर अलावा अनुच्छेद 41, 42 और 43 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये चीज ला शामिल किए गए है कि सभी मन ला बेहतर काम के माहौल प्राप्त हो सके और कर्मकार मन के मजदूरी और जीवन शैली उच्च हो सके। हमर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भी वर्ष 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाई बहन मन बा विशेष स्कीम लाई गई है। ये स्कीम के तहत पैनल लायर, पैरालीगल वॉलंटियर और विधिक सेवा प्राधिकरण आपस में मिल के श्रमिक भाई मन के बीच में जाके जागरूकता के प्रसार करी ओ मन ला कानून के जानकारी देते हुए शासन के योजना प्राप्त करे में सहयोग प्रदान करी। एकर अलावा भी आप मन ला कोई भी प्रकार के विधिक जानकारी की आवश्यकता हुई तो आप मन हमार निकटतम विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सका था या राज्य के टोल फ्री नंबर 1500 15100 में आप मन फोन करके संपर्क कर सका था। अंत में बस मैं इतना कही हूँ कि काम करवो स्थान से विधिक साक्षरता के ज्ञान से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।